शशिकांत निवासी खीड़ा सुंदरनगर जिला मंडी ने बिलासपुर बस स्टैंड पर घटित घटना पर आप बीती बताते हुए बताया कि वे मंगलवार देर शाम करीब 1 बजे शिमला से सुंदरनगर के लिए सीधी बस सेवा न होने के कारण बिलासपुर बस अड्डे पर उतरा तथा वहां पर खड़े होकर मंडी जाने के लिए बस पर इंतजार कर रहा था कि उसी दौरान वहां 2 व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने आए। उन्होंने उससे उसका आई कार्ड दिखाने को कहा जो उसने दिखाया, फिर भी वे पुलिसकर्मी बिना किसी कारण के बेबुनियादी शक के आधार पर उसे चौकी ले गए, जहां पर उन्हें एक कोने में बिठाया गया व उनसे पर्स की चेकिंग ली गई। शशिकांत ने बताया कि वे बार बार वहां पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से शीघ्र जाने का आग्रह करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी तथा उसे बेरहमी से बुरी तरह पीटा व गाली गलौज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर परेशान किया। उन्होंने वहां पर 2 घंटे तक उसे बिठाए रखा, उसके बाद उसे छोड़ दिया। शशिकांत ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके पर्स में रखे 4,500 रुपए की नकदी गायब हुई। उन्होंने बताया कि वे पेशे से एक फोटोग्राफर है तथा यह काम करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्हें न्याय दिलवाने की मांग की है। पिछली रात मैं शिमला से सुंदरनगर आ रहा था, मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिली तो मैं बिलासपुर तक टिकट लिया पहले, फिर दूसरी बस के लिए मैं रुका यहाँ पे, तो बीच में 2 कांस्टेबल होम गार्ड्स की, तो उन्होंने मुझे इंक्वायरी किया कि आप अपना आईडी दिखाइए, तो मैंने उनको आईडी दिखाया अपना, तो बीच में फिर उन्होंने कहा कि हमें आपकी बैग्स की भी तलाशी लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले आप चलिए यहाँ पे साथ में हमारा हुआ है जो चौकी है, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में ले आए मुझे। वहाँ पे एक तीसरा पुलिस बैठा हुआ था जो नशे में धुत था, बहुत शराबी रखी थी उसने, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, आप जल्दी कर लीजिए, तो कहने लगे कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉस्टली है, और आप हमारी जो इंटरोगेशन है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो खैर उन्होंने तलाशी तलाशी ली और उसी दौरान उन्होंने बंद पिटी में सर 2 घंटा मुझे बिठाए रखा वहीं पे, और मतलब मेरे बहुत गाली गलौज किया साथ में और अपनी तरफ से कुछ भी बोलते रहे, मैं मुझे फ़ोन तक नहीं करने दिया उन्होंने कि मैं उनको बोल सकूं कि मैं क्या हूँ, कि कहाँ से मैं हूँ, तो मतलब ये मेरे को करते रहे, चार्ज करते रहे बार बार, एक जो उनका चमड़े का रहता है वो, उसमें उन्होंने काफ़ी मुझे अलग अलग जगह पे मतलब जिस तरह जैसे ब्रूटल जो कह सकते हैं कोई खतरनाक आतंकवादी होता है उस तरह से उन्होंने मुझे बिहेव किया, जबकि आइडेंटिफिकेशन का कोई ऐसा बहुत इशू नहीं था, वो सब हो चुका था, बस स्टैंड में हो चुका था, मैंने उनको आई डी दिखा दिया था अपना, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेरे साथ ब्रूटल बिहेव किया। ये सब चीज़ें पुलिस का बिहेवियर मेरा अच्छा एक इमेज नहीं देता है, तो मैं इसलिए इसको सबमिट कर रहा हूँ कि किसी और को अगर आप किसी पढ़े लिखे के साथ वो कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। और इसके साथ ये नहीं हुआ, उन्होंने मेरे पर्स में कुछ पैसे रखे थे, मेरे को उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया कोने में जाके और अपना पर्स वर्स देखते रहे उसमें क्या करते, मुझे पता तब लगा कि जब मैं वापस जा रहा था बस में, तो जब मैं किराया देने लगा तो पता लगा मेरे पास 150 रुपये बचे हुए, जबकि मैं उसमें 5-6 हज़ार रुपये रखे हुए थे कैश रखा था उसमें, तो ये मतलब दोहरा मापदंड जिसमें हम कहें कि पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है, कहाँ तक हम जा रहे हैं, मतलब जो लोग पकड़ के लाते हैं और यहाँ पे आप वहाँ पे ब्लॉक के लोगों को ज़्यादा इस तरह से लूटिंग कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। जो भी घटना मेरे साथ हुई ये आगे किसी के साथ पुनरावृत्ति उसकी ना हो, तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही अपेक्षा रहेगी कि वो इसको जो भी इसके नैब मतलब जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको थोड़ा उनको उसके अंजाम तक पहुँचाएँ, और एक न्यायदर्शी होना चाहिए सब सरकार का मीडिया इसमें। वहीं इस मुद्दे पर एसपी बिलासपुर की अनुपस्थिति में अन्य पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। एसपी अशोक कुमार ने दूरभाष पर बताया कि पुलिस इस मामले की जांच के उपरांत ही उचित कार्रवाई कर सकारात्मक कदम उठाएगी।